अभी पूरा का पूरा पेड़ गाड़ी के आगे से गया, वो कैप्चर नहीं हो पाया। ये देखो कितनी तेज आंधी चल रही है यार, गाड़ी पूरी हिल रही है लेफ्ट राइट। आपको फोन में वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये देखो कितनी जबरदस्त आंधी चल रही है रोड पे। आपको मिट्टी मिट्टी अभी देखा आपने, झाड़ आ गया था गाड़ी के नीचे। ये देखो तूफान, देखो कितना जबरदस्त आ गया, कितनी जबरदस्त आंधी चल रही है, सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही। ये फ्रेंड्स आवाज सुनो आप, कितनी तेज आवाज आ रही है शीशे पे, बारिश की और आंधी की आवाज देखो कितनी तेज आ रही है। बिल्कुल अंधेरा है और सुनसान रोड है, ना आदमी की जात यहाँ, ना कोई लाइट ना कुछ, दूर दूर तक सिर्फ हमारी तीन गाड़ियां ही हैं यहाँ, ना कोई लाइट है, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं है, बस बिजली कड़क रही है, उसी की थोड़ी बहुत रोशनी आपको वीडियो में नजर आ रही होगी। कितनी तेज आवाज आ रही है साइड में शीशे में, कितनी जबरदस्त ऐसे दिखे भी। माई न्यू ब्लॉग, तो आज मैं दिव्यान और दिव्यान की मम्मी जा रहे हैं सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए, और हमने गाड़ी ली थी तो गाड़ी की भी धोख लगवा के आएंगे, तो आपको बालाजी भगवान के दर्शन करवाते हैं। और तीन गाड़ियां हमारे साथ जा रही हैं, एक हमारी है, एक भाई की है SUV 700 और एक है थार। तो आपको बताते हैं कि कहाँ से कौन सा रूट बेस्ट है, तो वीडियो को पूरी देखना, वीडियो में आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये 700 हमारी भाई की भी आ चुकी है, अभी थार देखते हैं थार कहाँ मिलेगी हमें। ये दिव्यान की मम्मी है और दिव्यान आपने देख लिया होगा, तो ये हमारे पास वैगनार है, अपनी फेवरेट सी है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी काला आने वाला है, अभी काला आया नहीं है, हमारे काले भी जी आ चुके हैं, 2:36 हुए और हमने ट्रिप जीरो कर लिया था, 6.5 किलोमीटर अभी हम चले हैं। मौसम देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना जबरदस्त हो गया है, आज मॉर्निंग में बारिश तो आई थी पर अभी भी काली घटाएं छाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। अभी हम रोहतक पहुंचने वाले हैं, रोहतक से बाईपास लेंगे, हम पहुंच चुके हैं रोहतक के बाईपास पे, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेन खड़ा है एयरपोर्ट का, कोई अभी पीछे यहाँ गिर गया था तो इन्होंने होटल वालों ने अपने बाहर खड़ा कर दिया है। ये महाराजा होटल, और ये राइट साइड में है मिलन ढाबा, राइट लेके है और हिसार 116 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो अभी हम हिसार की तरफ से निकल रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा और CNG ने एवरेज क्या दी है, हम तीन लोग हैं तो आपको पूरा डिटेल देंगे, इसमें एवरेज का भी हो जाएगा और अपना टूर भी हो जाएगा और आपको बालाजी भगवान के दर्शन भी करवाएंगे हम। ये देखो ये एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ, ये इस गाड़ी के साथ डिजायर और स्विफ्ट का हो चुका है। तो फ्रेंड्स रोड पे गाड़ी जब भी चलाए तो लिमिट में चलाए, 80-100 से ऊपर कभी भी ना जाए, अपना लिमिट में चलाएंगे तो आप भी सेफ रहेंगे और दूसरा बंदा भी सेफ से निकल रहे हैं। तो ये सामने हिसार दिख रहा है, 91 दिखा रहा है, हिसार वाला रूट अच्छा है, 40-50 के करीब लंबा तो पड़ता है बट रूट काफ़ी अच्छा है, साफ सुथरा रोड है और खुला है, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता। तो अभी तक जो है हम बहादुरगढ़ से आए हैं 58 ही हो गया है, और जो हमने CNG फुल कराई थी तब उतने 74 किलोमीटर चल चुकी है, और हम घर से अभी 58 के करीब आए हैं, 80 से 100 के करीब मैं स्पीड को अपनी मेंटेन कर रहा हूँ। पूरे
कौन सी गाड़ी ले, ये तो बहुत छोटी गाड़ी होगी है ना। कार में फिर दो ही बैठेंगे हम, हमें बड़े वाली चाहिए, आराम से लेट के जाएंगे। पद्दू है वो गाड़ी, उसमें सनरूफ भी नहीं है। तो देख लो फ्रेंड्स, एक फॉर्च्यूनर बोल रहा है, एक स्कॉर्पियो बोल रहा है। नेक्स्ट मंथ में स्कॉर्पियो आ जाती है तो देखते हैं कि स्कॉर्पियो कैसी है और कितना क्या प्राइस रहेगा, उसके बाद गाड़ी बुक कराते हैं। सभी गाड़ियों की 3-4 महीने की तो वेटिंग है ही, तो देखते हैं फ्रेंड्स कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे, तेरे ऊपर मैं कर दूं सब कुछ कुर्बान रे। मेरी नाजुक गली है, मेरी नाजुक गली, मैं तेरी ला तू पजेब, राजी बोल जा, राजी बोल जा। Continue on Hisar Southern Bypass for 2 km. और अभी हमारी गाड़ी जो है घर से 135 किलोमीटर चल चुकी है, अभी 4 पॉइंट है CNG के। तो रास्ते में CNG थी हिसार में, बट ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए हमने फिल नहीं करवाई। देखते हैं उसके बाद पेट्रोल का भी पता लग जाएगा कि लॉन्ग रूट पे कितना क्या पेट्रोल पे एवरेज देती है और CNG पे क्या आएगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। ओ मेरी गुड़ की डली रे, मेरी गुड़ की डली, मैं तेरी ला तू पजेब, राजी बोल जा, राजी बोल जा। हम यहाँ रुके हैं एक कैफे पे, ये हमारी फैमिली है सारी, तीनों गाड़ियाँ हमने खड़ी कर दी है यहाँ। ये डी कैफे है NS65 पे, ये हमारे सुनील भाई, ये हमारे काले स्टार, और ये हमारे देव और भाई बंटी। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और ये सामने बोर्ड पे साला सर दिखा रहा है 172 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में सामने नज़र आ रहा होगा, राजस्थान में हम एंटर कर चुके हैं और ये सारा रेगिस्तान आ गया है और काफ़ी तेज़ हवा और आंधी चल रही है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये देखो कैसे मिट्टी पानी की तरह बहते हुए इधर से उधर जा रही है, ज़बरदस्त सीन है दोस्तों। आपको रोड पर दिखाई दे रही होगी मिट्टी कैसे बहते हुए जा रही है, ये पूरा रेगिस्तान है, जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ चारों तरफ रेगिस्तान है, बिल्कुल सूखा है। और ये मिट्टी आप देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त लग रही है उड़ते हुए। तो फ्रेंड्स हमारी CNG ख़त्म हो चुकी है, आपको मीटर में लाइट ब्लिंक करते हुए दिख रही होगी CNG की। तो ये जो हमारी CNG में गाड़ी चली है वो चली है 250 किलोमीटर और पेट्रोल पे हमारी गाड़ी लग चुकी है और 19 की एवरेज हमारी शो कर रही है, तो काफ़ी अच्छी एवरेज दी है CNG में। 7.5 किलो में हमारी जो चली है 250 किलोमीटर और पेट्रोल में 19 की एवरेज दे रही है, गुड। वेट कर रहे हैं यहाँ, ये टीले पे चढ़े हुए हैं, देख रहे हैं आप पब्लिक कितनी पब्लिक मिट्टी के ऊपर चढ़ी हुई है। तो यहाँ चाय पानी नाश्ता करेंगे, देख रहे हैं पीछे गाड़ी में बैठे हैं भाई, जिंदगी के मज़े ले रहे हैं और मौसम आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हो गया है। ये यहाँ एक पिकनिक स्पॉट टाइप में है, आप सालासर बाला भी आएंगे तो ये एक जगह पड़ती है, यहाँ पर घोड़े ऊँट वगैरह मिलेंगे आपको एडवेंचर करने के लिए। किला वगैरह है, आपने काफ़ी वीडियो में देखा भी हुआ, काफ़ी बंदों ने यहाँ थार भी चढ़ाई है यहाँ से। ये हमारे काले जी और ये हमारी मामी भी थार पे बैठी हैं, ये देखो
ये हमारे देव जून, ये यहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ था, तो मैं और दिव्यान की मम्मी अपना रबड़ी फलूदा बनवा रहे हैं, ये दो गिलास, देखते हैं कैसे बनाता है भाई। गुड़ सवारी कर रहे हैं, रेडी हो गया है लगभग हमारा, दो मिनट अभी इसमें आइसक्रीम डलेगी। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, काफी अंधेरा हो चुका है और मौसम खराब हो गया, आप देख रहे हैं बिजली कड़क रही है जबरदस्त। फ्रेंड्स यहाँ बारिश आ चुकी है, बिजली कड़क रही है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड ओले गिर रहे हैं, ये देखो कैसे ओले गिर रहे हैं मोटे मोटे। तो हमने गाड़ी है यहाँ पेट्रोल पंप पे लगा दी है तीनों गाड़ियाँ, क्योंकि रिस्क है टूटने का, ग्लास टूट सकता है। और ये एक भाई और आके खड़े हो गए यहाँ, दो चार गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं ओले गिर रहे थे। तो कभी भी ऐसे ओले वगैरह गिरे तो आप हमेशा गाड़ी को अपना साइड में लगा दें कहीं पेड़ वेड़ के नीचे, क्योंकि ग्लास टूटने का डर रहता है। आप देख सकते हैं कितने ओले गिर गए, ये देखो कितने सारे ओले गिर गए, जबरदस्त ओले गिर रहे हैं, ये देखो बीच में से लाइट है और बाहर बर्फ है, बड़ा पीस है, दांत दांत से डबल लगा लो, दूसरा दांत में भाई होता है, जाड़ होती है, जाड़ की ये क्रैक, ये कुछ क्रैक्स चल रहे हैं, मेरा मसला ये छोटे काले जी क्रैक्स खा रहे हैं और बड़े काले जी फोन में लगे हुए हैं और बहुत तेज बारिश आई हुई है। हाँ ये हमारी भाभी के अंदर बैठी हुई है, दोबारा से तेज बारिश होगी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं नीचे। जबरदस्त मौसम, अंदर बैठे हैं डर की वजह से, कभी इनके सिर पे ना लग जाए ओले। अरे कहना क्या चाहते हो, लाइट बंद कर दी बचने के लिए, फेमस नहीं होना। स्कॉर्पियो एक और गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, और ये ग्रैंड i10 है, ये कितनी गाड़ी आ चुकी है, 6-7 गाड़ी होगी हमारी गाड़ी मिला के। और ये मैं आपको पेट्रोल का रेट दिखा देता हूँ, 110 रुपये रेट है पेट्रोल का, ये देखो नीचे पेट्रोल है 110 रुपये है, और डीजल का जो रेट है राजस्थान में 95 है, तो 5 रुपये डीजल महंगा है राजस्थान में, और कम से कम 13 रुपये का फ़र्क है आपका पेट्रोल में। तो जब भी आप आएँ तो अपना डीजल पेट्रोल हमेशा हरियाणा से डला दें, हरियाणा में सस्ता है सबसे। ये हमारे सुनील भाई, मौसम एक नंबर का हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जबरदस्त मौसम हो गया, जबरदस्त दबा के बिजली कड़क रही है, ये देखो आप, ये देखो फ्रेंड्स कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है राजस्थान में। सालासर हमारे यहाँ से 20 से 21 किलोमीटर रह चुका है, और आप देखो कितनी तेज बारिश चल रही है, वाइपर हमने फुल स्पीड में चला रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने, जबरदस्त बारिश आ रही है यहाँ। तो फ्रेंड्स ओले बंद हो चुके थे और हमने गाड़ी के ड्राइव करना सही समझा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था सालासर, हवा इतनी तेज चल रही है, ये देखो आप नीचे पानी जो है रोड पे से मिट्टी की तरह जा रहा है उड़ के, ये देखो, और हमारी गाड़ी हिल रही है क्योंकि हल्की है, मारुति वालों की बिल्ड क्वालिटी तो आपको पता है, इतनी जोर से हवा चल रही है गाड़ी बिल्कुल हिल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी को कोई हिला रहा है। अब यहाँ बारिश खत्म हो गई है और आंधी चल रही है बहुत जबरदस्त, अभी पूरा का पूरा पेड़ गाड़ी के आगे से गया, वो कैप्चर नहीं हो पाया, देखो कितनी तेज आंधी चल रही है यार, गाड़ी पूरी हिल रही है लेफ्ट राइट,
आपको फोन में वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, ये देखो कितनी जबरदस्त आंधी चल रही है रोड पे। आपको मिट्टी है मिट्टी, अभी देखा आपने झाड़ आ गया था गाड़ी के नीचे, बड़ा हो गया तो मार रहा है। तूफान देखो कितना जबरदस्त आ गया, आपको कितनी जबरदस्त आंधी चल रही है, सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही। हम बिल्कुल 50-60 की स्पीड पे चल रहे हैं और ये आप तूफान देख सकते हैं, बारिश और हवा इतनी तेज चल रही है, अगर गाड़ी का शीशा हम खोल लेना तो गाड़ी इन 500 मीटर्स कीप राइट। ये देखो नीचे रोड पे से आपको कैसे नजर आ रही है मिट्टी और पानी कैसे। अब बारिश और आंधी बहुत तेज आने लग रही है, कीप राइट। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ गड्ढे वड्ढे रोड पे हैं, वो भी नजर नहीं आ रहे, नीचे गड्ढे वड्ढे हैं कितने सारे, पता भी नहीं लग रहा गड्ढा है कहाँ, कहाँ से टायर ले जाए गाड़ी का। जबरदस्त मौसम हो रहा है, खतरनाक वाला खतरनाक। ये देखो थार भी बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे चल रही है, नहीं तो ये हवा से बातें कर। ये देखो आप फ्रेंड्स यहाँ कितनी तेज आंधी चल रही है, पेड़ वेड़ टूट के गिरे हुए हैं रोड पे, यहाँ रिस्क है थोड़ा तेज लेके जाना पड़ेगा, पेड़ वगैरह गिरने का डर है, यहाँ पेड़ है दोनों साइड। गाड़ियाँ कैसे चला रहे हैं, लेफ्ट राइट में करके चला रहे हैं, गड्ढे वड्ढे कुछ भी नजर नहीं आ रहा रोड पे, एक गाड़ी लेफ्ट चल रही है एक राइट चल रही है और मेरी सेंटर में चल रही है। ये देखो लेफ्ट साइड में SUV 700 है और राइट साइड में थार है और सेंटर में मैं चला रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं लग रहा गड्ढा कहाँ है रोड कहाँ है कुछ। जबरदस्त तूफान आज तक हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये फ्रेंड्स आवाज सुनो आप, कितनी तेज आवाज आ रही है शीशे पे, बारिश की और आंधी की आवाज देखो कितनी तेज आ रही है, बिल्कुल अंधेरा है और सुनसान रोड है, ना आदमी की जात ना कोई लाइट ना कुछ, दूर दूर तक सिर्फ हमारी 3 गाड़ियां ही है यहाँ, ना कोई लाइट है स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, बस बिजली कड़क रही है उसी की थोड़ी बहुत रोशनी आपको वीडियो में नजर आ रही होगी। कितनी तेज आवाज आ रही है साइड में शीशे में कितनी जबरदस्त, बस कैसे तैसे करके हम अपने होटल पे पहुंच जाएं। 10 मिनट का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है, 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। लो जी सालासर धाम विकास समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है, फाइनली सालासर में हम एंटर हो चुके हैं, ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है। फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने सावर्थिया सेवा सदन है ये, तो हम यहीं पे रुकते हैं, बना हुआ है यहाँ, अभी तो कोई गाड़ी वाड़ी आई नहीं, हमारी गाड़ियां हैं अभी तक कोई आया नहीं, आप देख सकते हैं डस्टबिन वगैरह उड़ के थार के आगे आ गया, थार बाल बाल बची डस्टबिन से टकराते मतलब कुछ भी। झूला देखो आप, अपने आप झूल रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई भूत वगैरह है, ये देखो झूला अपने आप ही हिल रहा है। तो अभी हम अंदर चलते हैं अपना बैग वगैरह रूम में मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स हम सारे अंदर आ चुके हैं और अभी इतनी जबरदस्त बिजली गिरी है यहाँ, मैं आपको बता नहीं सकता, वीडियो रिकॉर्ड में नहीं आया वो अभी। ये इनका ग्लास भी टूट गया फ्रेंड्स, ये देखो ऊपर से ये टूट के यहाँ नीचे गिर गया, अभी इन्होंने साफ किया है। जय श्री राम। मैं तो वीडियो बनाऊं इतनी देर में झाड़ आवा मामा रोला भाई तू ही फोन न कर दे ऐसे दी टेडी। हां थार हिले थी नु सांप की डालाड़े भीतर वाले रोड पे।
अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं, लेडीज सारी गई लिफ्ट में और हम जा रहे हैं सीढ़ी से। ये हमारे संजू व्लॉगर, वीडियो तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और ये हमारे हरियाणा पुलिस के जवान, ये देव बताओ लिफ्ट में आया, हम सीढ़ी से इनसे पहले आ गए। काफी साफ सुथरी है ये धर्मशाला, आनंद देखिए। तो ये मामा ने तो अपना पहला ही रूम ले लिया है, ये मामा ने तो अपना कब्जा लिया रूम। ये देखते हैं ये इसमें कौन है, इसमें कोई नहीं है। चलो भाई चलो अपने कमरों में। ये हमारा रूम है, ये टॉयलेट बाथरूम है, साफ सुथरा ही है। ये अलमीरा है एक, ये दरवाजा बाहर के लिए, और ये जबरदस्त हवा चल रही है, आप देख सकते हैं खिड़की में से हवा मस्त आ रही है। यहाँ से पर्दा आपको हिल रहा है, दिखाई दे रहा है। ये दो ट्विंग बेड हैं, बीच में जगह है, इसमें सब ने अपने रूम ले लिए। हमने टोटल यहाँ 4-6 रूम लिए हैं। काले जी रह गए, काले जी को रूम नहीं मिला। काले जी देख रहे हैं कहाँ पे जाएं। ये हमारी भाभी का रूम है, तो फ्रेंड्स हम सभी फैमिली मेंबर्स ने अपना अपना रूम ले लिया है। तो अभी डिनर हमारा रेडी है, नीचे जाते हैं और डिनर करते हैं। और हमारा जो सफ़र था काफ़ी लंबा था और रास्ते में काफ़ी तूफान वगैरह था, हम काफ़ी थक चुके हैं, तो डिनर करके और अपना फिर सोते हैं और सुबह दर्शन के लिए निकलेंगे। बुके सिस्टम लग चुका है और ये संजू ने अपनी प्लेट भर ली है। ये देखो चार चार सब्जी खा रहा है, सेहत बढ़ाते रहो। और ये काले जी देखो सारे फल फ्रूट रख लाए इसी में, वाह हरी भरी थाली। ये बेसन की सब्जी है, हलवा है, मिक्स वेज है, दाल है, चावल है, और ये सलाद है यहाँ। ये अभी रोटी आएंगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने भाई का चैनल जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो फ्रेंड्स रास्ते में काफ़ी तूफान था, आपने देखा हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, रिस्क लिया हमने। तो कभी भी आप ऐसे कभी मत करना, रिस्क कभी भी मत लेना, कहीं पे सुरक्षित जगह पे अपना गाड़ी लगा लेना। हम जैसे चल रहे थे रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुके थे, उसके बाद हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ हम वेट कर सकते थे, फिर भी हमने गाड़ी धीरे धीरे 50-60 पे चला के, क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस था वो 10-15 मिनट का था, तो हमने सोचा कि अपना होटल पर जाते हैं। तो अभी हम होटल पर आए हैं, तो अभी भी काफ़ी तेज़ तूफान चल रहा है और इतनी ज़बरदस्त बिजली गिरी है होटल के सामने, वो शूट नहीं कर पाया मैं। तो सुबह चलेंगे हम मंदिर में दर्शन करने बालाजी भगवान के, तो आपको सुबह दर्शन करवाते हैं भगवान के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के।